चलो गाइस पकौड़ी टेस्ट करते हैं, फिर आप लोग बताते हैं कैसे बनाई उन्होंने। सो गाइस हमारा कढ़ी चावल रेडी हो चुका है। एवरीवन वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। सो गाइस आज है संडे और सुबह से ना हमने अपना सारा काम वगैरह कर लिया था एंड आज हमने जो है शॉप पे जाना है ना अभी, तो हमने सोचा कि रेडी वगैरह हो जाएंगे फिर रास्ते में जो है व्लॉग को स्टार्ट कर लेंगे। एंड अभी तो हम लोग टाइम पर आ गए थे क्योंकि मैंने रील्स वगैरह बनाई थी, क्योंकि ना आजकल इतने ज़्यादा इनएक्टिव हो गए ना इंस्टाग्राम पे, बाकी यूट्यूब पे, सो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने को जो है रेगुलर मूड पे लाएं। बट क्या करेगा, इस टॉपिक ही नहीं मिलता है मतलब, बट फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बाकी अभी तो हम बनाए रील्स वगैरह बनाए थे क्योंकि अभी हम आ गए मतलब रास्ते में आ गए, तो रील्स वगैरह बनाते हैं, सो मिलते हैं आप लोग को आगे। गाइस फाइनली हमारी रील्स वगैरह जो है पूरी बन चुके हैं गाइस, सच में इतनी ज़्यादा अच्छी रील्स बनाई ना इस बार इन्होंने, और हाँ थक भी गए और ना गर्म भी बहुत ज़्यादा हो रही। सो अभी तो हम जाएँ शॉप पे, सो आप लोगों को मिलते हैं शॉप पे जाने के बाद, ठीक है। एंड जिसने हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया वो फॉलो करना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, ठीक है, हम दोनों के सॉरी हम दोनों के अकाउंट की। सो अभी तो हम जा रहे हैं, सो आप लोगों को मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय। सो गाइस अभी तो जो हम लोग आ चुके हैं घर एंड अभी बनाना है खाना। एंड गाइज आज ना भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि आज हम लोग दिन पे गए तो खाना वगैरह हमने जल्दी खा लिया था, है ना, लंच वगैरह जल्दी कर लिया था। सो अभी भूख भी लग रही है काफ़ी ज़्यादा। एंड आज हम बनाएंगे खाने में कढ़ी एंड चावल जो कि मेरे हस्बैंड के हैं फेवरेट। एंड ये यहाँ पे को बैठे हुए हैं, हेलो हेलो, जल्दी बना, भूख लग रही है, बन रहा है। सो अभी बिना टाइम वेस्ट कर मैं चेंज वगैरह कर लेती हूँ क्योंकि नहीं बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, है ना। फिर उसके बाद कैसे बनेंगे कैसे नहीं वो तो ये टेस्ट करके बता ही देंगे। सो अभी बिना टाइम वेस्ट कर मैं जो है चेंज कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे आपको सुनाती हूँ, ठीक है। तो गाइस मन्नू चले गए किचन पे, तो खाना बना रही है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही, तो देखते मन्नू क्या करते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ। मन्नू क्या कर रहे हो आप? खाना बना रहे हैं आपके लिए, आपका फेवरेट। अच्छा मन्नू तुम कर रही हो, प्याज वाज काट रही है, मिर्ची कम डालना है, ठीक है, मिर्च लहसुन और जीरो को जो है पीस लिया, पकौड़ी बनाओगे ना। और बाकी गाइस इनको ना बहुत ज्यादा भूख लग रही है, सो चावल तो आप इंडक्शन में चला देंगे, सो चावल को हम इंडक्शन में चढ़ा देंगे, बाकी बनाएंगे जीरा राइस क्योंकि मुझे ना उसके साथ भी अच्छा लगता है कढ़ी के साथ। सो अभी फटाफट से काट लेते हैं सब्जी वगैरह। तो गाइस अब मिलते हैं आप लोगों को आगे, ठीक है। गाइस यहां पे बन गई है मन्नू की पकौड़ी, तो देखिए दिखाओ मन्नू पकौड़ी अपनी जी, देखिए पकौड़ी खा लो, आपको तो ऐसे पसंद है बिना कड़ी के। अच्छा जी, चलो गाइस पकौड़ी टेस्ट करते हैं, फिर आप लोग बताते हैं कैसे बनाई उन्होंने। लाओ मन्नू टेस्ट करो। ओके, गरम हो रही लेकिन कोई नहीं, करा दो, इतनी बड़ी खा लो। तो गाइस टेस्ट करके लाता हूँ, खा लिया आपने? खा लो आप, इस पकौड़ी तो बड़ी मस्त हो रही है, गरम गरम अच्छी हो रही है। तो भाई चलो मैं खाता पकौड़ी, तो इसके बाद आप लोगों से आगे मिलता हूँ। गाइस यहाँ पे ना मेरी सारी पकौड़ी बन के रेडी हो चुकी हैं, ये देख सकते हो आप। एंड ना मैंने इससे भी जो है डबल पकौड़ी बनाई थी क्योंकि ना इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब जो कढ़ी के लिए जो पकौड़ी होती है ना तो इन्हें अच्छी लगती है प्याज डाल के, सो इनके लिए मैंने और ज़्यादा बनाई थी, तो वो तो इन्होंने खा ली है। बाकी अब मैं फटाफट से कढ़ी बना लेती हूँ और साथ ही साथ अभी मेरे को ना इंडक्शन में मैं चावल भी चढ़ा देती हूँ क्योंकि फिर इनको ना जीरा राइस में समझ में नहीं आता कि पानी कितना डालना है, बाकी जीरा कितना डालना है, रिफाइन कितना डालना है, इसलिए। सो चलो आप लोगों को मिलती हूँ मैं आगे कढ़ी वगैरह बनाने के बाद, ठीक है, तब तक के लिए बाय। सो गाइस फाइनली जो है कढ़ी मेरी चढ़ गई है, मतलब कढ़ी ऑलमोस्ट डन है, बस मैं जो है 4-5 मिनट के लिए जो है इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ ताकि जो है बेसन ना अच्छे से पक जाए, देख सकते हो आप यहाँ पक रही है। बाकी मैं चावल चढ़ा देती हूँ फिर जब खाना बन जाता है उसके बाद आप पहुँच मिलती, ठीक है। सो गाइस हमारा कढ़ी चावल रेडी हो चुका है और यह है इनका, जो कि ये तो साथ में सलाद भी खा रहे हैं बट मेरे को नहीं पसंद इसके साथ। बाकी अभी हम लोग खाना खा लेते हैं पहले और ये टेस्ट करके बताएंगे कैसा हो रहा है, ठीक है, कैसा हो रहा है? तो अच्छी हो रही है, अच्छी हो रही है, बहुत। सो गाइस इनको तो पसंद आई, सो अभी खाना वगैरह खा लेते हैं फिर उसके बाद आप लोग से मिलते हैं, ठीक है।
सो गाइस अभी खाना वगैरह हमने खा लिया है एंड अब हम लोग सोने के लिए आ गए हैं यार बेड पे, क्योंकि ज़्यादा नींद आ रही ना। एक तो ऐसे ही रोज़ का रोज़ ना लेट ही जाता, मतलब जितना ही कोशिश कर लेना कि जल्दी हो बट लेट ही हो जाता है, जबकि आज हम घर जल्दी आ गए थे बट फिर भी उतना ही टाइम हो गया। और बाकी गाइस ब्लॉग को भी मैं यहीं पर कोई एंड कर रही हूँ, ठीक है। एंड वी नो कि इतना कुछ स्पेशल था नहीं इस ब्लॉग में, है ना। हमने जो डे मतलब किया वही आप लोगों को दिखा दिया था। बाकी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आगे जो है आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे जो है ब्लॉग्स दे लेकर आएँ, ठीक है, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स लेकर आएँ। बाकी अभी तो हम लोग सो रहे हैं, सो अभी मैं आज का ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। लाइक शेयर कमेंट की ज़रूर बता रहा आप लोगों का आज का ब्लॉग कैसा लगा एंड ऑल्सो द सब्सक्राइब बटन। सो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। Thank you.